यूपी के मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों ने शहर कोतवाली से कुछ दूरी पर धारदार हथियार से हमला कर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। सनसनीखेज वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर हथियारों की तलाश शुरू कर दी है। महिला की उसके घर में घुसकर बेरहमी से धारदार हथियार से हमला करने की वारदात नगर कोतवाली से कुछ दूरी पर गुदड़ी बाजार की है। यहां 60 वर्षीय सुनीता नाम की महिला अपने घर पर अकेली थी। इसी बीच दिन दहाड़े घर में दाखिल हुए अज्ञात बदमाशों ने धारदार नुकीले हथियार से महिला की बड़ी बेरहमी से गोद कर उसकी हत्या कर दी। दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी और आसानी से फरार भी हो गए, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। मृतक के बेटे के मुताबिक वह माँ के लिए दवा लेने गया था। दवा लेकर जब वापस घर लौटा तो अज्ञात बदमाश उसकी माँ पर किसी हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर रहा था। उसको देखते ही बदमाश उसे धक्का देकर फरार हो गया। बाद में महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद खोजी कुत्तों और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लाश को कब्जे में लेकर हत्यारों की सुराग में जुट गई है। पुलिस अधिकारी का दावा है कि जल्द ही हत्यारा सलाखों के पीछे होगा। कोतवाली के बाजार में एक गुदड़ी बाजार है। गुदड़ी बाजार में ललित सैनी का एक परिवार रहता था, जिसमें उनकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है। उनसे तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। डेड बॉडी को पंचायतनामा करने के उपरांत पीएम के लिए भेज दिया गया। जांच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर अपराधियों को पकड़ा जाएगा। सर, महिला का नाम पता क्या है? नहीं, कभी हत्या कारण पता नहीं पड़ रहा है। जनमत न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से संजय कुमार की रिपोर्ट।